बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जय श्री कृष्ण अस्सलाम वालेकुम रियाज़ गिलानी जी मज़मून से इधर गुंजन को। प्यारे बच्चों, आज हम एक बार फिर पढ़ने जा रहे हैं एट्थ क्लास की सोशल साइंस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट इंडस्ट्री इन जम्मू कश्मीर। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको इससे पहले जो सबक शुरू किया था लेसन नंबर 7 में इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, तो उसके इंट्रोडक्शंस हैंडलूम के बारे में पढ़ाया था। एक इंडस्ट्री इसकी हैंडलूम की है, और मैंने आपको हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ाया था। और नेक्स्ट इंडस्ट्री जो इसकी है वो है कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री। कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री जो है ये किस किस्म की इंडस्ट्री है इसके बारे में पढ़ेंगे। और दिस इज द फेमस इंडस्ट्री इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट एरिया एंड यूरोपियन कंट्री। सो द आर्ट ऑफ कारपेट वीविंग इन कश्मीर इन द गिफ्ट ऑफ सेंट्रल एशिया थ्रू करम्स। जो आर्ट है, जो हुनर है किसका, कारपेट इंडस्ट्री का, ये एक गिफ्ट है कश्मीरियों के लिए, एक गिफ्ट है पूरी दुनिया के लिए, जिसकी प्रोडक्शन जम्मू कश्मीर में होती है। द प्रोडक्ट्स आर हाईली प्राइजेस ऑल ओवर द, इसका जो प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है ये बड़ी हाई प्राइस है पूरी दुनिया में। विद द एक्सेलेंट डिमांड, इसकी बहुत ज़्यादा जो है जो इसकी डिमांड है खासतौर पर स्पेशली इन मिडिल ईस्ट एंड यूरोपियन, इसकी जो ज़्यादा जो डिमांड है 2 जगह पर बहुत ज़्यादा डिमांड है। एक है मिडल ईस्ट एंड यूरोपियन एंड यूरोप के अंदर और मिडल ईस्ट के अंदर इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है कार्बन इंडस्ट्री की जो कश्मीर की है। वेयर मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूस आर एक्सपोर्टेड, यानी बहुत ज़्यादा ये प्रोड्यूस होती है और एक्सपोर्ट की जाती है। द वर्कर्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज, इस इंडस्ट्रीज को जो काम करने वाले हैं, जो वर्कर्स हैं, आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट। इसके जो वर्कर हैं, इसके जो क्या है वर्कर, लगभग ऑल डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, ठीक है ना, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। ऑल डिस्ट्रिक्ट से इसके वर्कर्स जो हैं वो काम करने के लिए आते हैं और पाए जाते हैं। द वर्कर्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर फाउंड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर डिवीजन के अंदर, वेयर द मैक्सिमम यूनिट ऑफ कारपेट, द मैक्सिमम यूनिट ऑफ कारपेट मेकिंग आर कंसंट्रेटेड इन ए राउंड ऑफ सिनर, मोस्टली ये राउंड श्रीनगर के अंदर, मोस्टली श्रीनगर के अंदर इसकी इंडस्ट्री जो है वो पाई जाती है। तो ये जो है ये कार्बन इंडस्ट्री है जो बहुत फेमस है पूरी दुनिया में, और नंबर 1 होगी। नंबर टू इसका आज का जो टॉपिक में नंबर 2 है, वरना ये नंबर 4 है, ये आ जाती है कांगड़ी। कांगड़ी जैसे आपने देखी होगी बच्चों कि कांगड़ी जो है हमारे घरों में भी है, कांगड़ी जो है उसके ऊपर छोटी छोटी लकड़ी की शाखें जो हैं, तीलियाँ जो हैं लगाई जाती हैं, बीच में उसमें एक मिट्टी का एक बर्तन होता है, तो उसमें आग जलाई जाती है, आग डाली जाती है, और वो आग जो है वो बिस्तर में लेकर या फैन के नीचे लेकर हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वो हमें गर्मी देती है। तो ये एक यूनिक जाल है कश्मीर के अंदर। तो उसको कांगड़ी मेकिंग में क्या, इट इज़ ए कॉटेज इंडस्ट्री, इसे कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। कंसंट्रेटेड इन द एरिया ऑन द बैंक ऑफ वुलर लेक जो है, दिस द वेरी फेमस लेक है, बांडीपुर एरिया में वो है, नियर वटलब एंड ए चरार ऑफ वटंगो विलेज। कश्मीर इज नोन फॉर इट्स विस्कर विलो, विस्कर इज यूज्ड टू मेकिंग बास्केट, बॉक्स,
बॉक्सेस, लेन, शेडोज, चेयर्स, टेबल, टॉयज। तो ये सब चीजें इसकी जो है वो यहाँ तैयार होती हैं और श्रीनगर के अंदर, श्रीनगर के अंदर ये कहां पर, हावर, हारवान, हारवान, और उसके अलावा आ जाती है इसकी जगह कौन सी, शालीमार, हजरत बाल एंड सूरा, एंड सूरा एरियाज, दीज एरियाज, इस एरिया में ये सबसे ज्यादा तैयार की जाती है, आर द सेंटर ऑफ द प्रोडक्शंस। तो ये इसका प्रोडक्शन का सेंटर है, ये जो मैंने आपको हारवान बताया है, शालीमार बताया, हजरत बाल एंड सूरा, ये है इसका सेंटर प्रोडक्शन का, जो कांगड़े जो है ये तैयार की जाती है। तो प्यारे बच्चों, आपने कांगड़ी के बारे में पढ़ा कि कांगड़ी जो है ये क्या है, ये एक यूनिक अट्रैक्टिव, कांगड़ी जो है ये एक कैटेज इंडस्ट्री है, है जो इस एरिया में जीव वुलर के अंदर, जीव वुलर के नियर है, मतलब एरिया में चरार टेंगू विलेज, कश्मीरी नून एज ए बिस्किस को कहते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी चीज तैयार की जाती है, जैसे बास्केट है, बॉक्स है, लैम्प्स है, शेडोज है, चेयर्स है, टेबल्स, ट्राइज वगैरह तैयार की जाती है। तो हारवान, शाली बुक्स, हजरत बल्स, सूरा आर द सेंटर ऑफ द प्रोडक्शन। तो इसकी ए सेंटर ऑफ द प्रोडक्शन है। तो इस तरह नेक्स्ट जो है ये है पेपर मैशी। तो पेपर मैशी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हिस्सा है किसका, कश्मीर के अंदर, जो ये एक यूनिक अट्रैक्टिव है, इट इज यूनिक अट्रैक्टिव एंड एक्सक्लूसिव हैंडीक्राफ्ट ऑफ कश्मीर पेपर्स एंड पल्प्स आर शेडेड आर शेपर्स इनटू ए वैरायटी ऑफ डेकोरेटिव एंड आर्टिकल्स एंड कलरफुल डिजाइंस आर प्रिंटेड ऑन देम द सेंटर ऑफ प्रोडक्शंस इंक्लूडिंग रेनावारी। अब इसका जो सेंटर ऑफ प्रोडक्शन है ये है, इसमें इंक्लूड होता है रेनावारी, रेनावारी जो हो श्रीनगर में, रेनावारी में श्रीनगर, और उसके अलावा आ जाता है अनंतनाग, डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग जो है ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो पेपर माशी है ये बड़ा यूनिक किस्म का, अट्रैक्टिव किस्म का हैंडीक्राफ्ट है, जो पेपर जो है पुलुप जो दरख्त के जो छाल होती है उससे तैयार की जाता है, और शेफर्ड्स इनटू द इसकी वैरायटी बनती है, इसको डेकोरेशन के लिए आर्टिकल्स, इसकी कलरफुल डिजाइन बनाए जाते हैं, और इसकी प्रिंटिंग, इस पर प्रिंटिंग होती है, और सेंटर प्रोडक्शन जो इसकी इंक्लूडिंग जो है वो रेनावारी श्रीनगर में और अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट में जो है ये ज्यादा होती है। तो इसी तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर, तो वो है पश्मीना, पश्मीना शॉल इंडस्ट्री, पश्मीना शॉल। आप जैसे आपको पता है कश्मीर की पश्मीना जो शॉल है वो बहुत ही फेमस है, जैसे कारपेट फेमस है ऐसे पश्मीना शॉल भी फेमस है। तो इट इज कंसंट्रेटेड इन कश्मीर एंड लद्दाख रीजन, ये ज्यादातर कहां पर पाई जाती है, एक है कश्मीर और दूसरा जो है वो लद्दाख, लद्दाख रीजन, ये इलाके जो हैं, इन इलाकों में, इन दो डिवीजन में ज्यादातर ये जो है इसकी फेमस है, ये पाई जाती है। वो लद्दाख की तो सबसे ज्यादा मशहूर है क्योंकि वहां याक के जो है ये जो है वो इसमें लगते हैं। फेमस वैरायटी ऑफ शॉल्स मैन्युफैक्चर्ड इन कश्मीर आर, अब ये जो कश्मीर लद्दाख की है ये बहुत ही फेमस है, इसकी वैरायटी जो है जो तैयार की जाती है बहुत फेमस है। और कश्मीर के अंदर शातोश रिंग शॉल कौन कौन सी है, ये है शातोश रिंग शॉल,
रिन शॉल, और तीसरी है जमवार क्यूनिन जमा। ये तीन वैरायटी जो है कश्मीर के अंदर जो है ये बहुत फेमस है, पाई जाती हैं। और ए यूजर्स क्वालिटी पश्मीना शॉल्स आर प्रोडक्ट्स इन द बसोली के अंदर, आधा जम्मू एरिया में भी है बसोली के अंदर, लेकिन उसकी जो है उसकी जो क्वालिटी है ये बहुत ही कम किस्म की है बसोली के अंदर, लूजन बसोली जम्मू, बसोली जम्मू के अंदर भी है लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो लो क्वालिटी, कम तादाद किसी लो क्वालिटी है। वेर ए हाई क्वालिटी यॉर्क वूलन ट्रांसफॉर्मर्स इन द फॉर्म, तो हाई क्वालिटी जो है सबसे हाई क्वालिटी जो है कहां पर पाई जाती है, ये पाई जाती है ये यॉर्क वूल है, यॉर्क वूल किसके बालों की, यॉर्क के बालों की, जो तैयार की जाती है लद्दाख साइड में, सबसे हाई क्वालिटी। तो ये है पश्मीना शाल, और उसके अलावा जो है सिल्वर वेयर एंड लिमिटेशंस ज्वेलरी, नंबर 5 है सिल्वर वेयर लिमिटेशन। अब ये इसकी जो है सिल्वर वेयर्स एंड लिमिटेशन ज्वेलरी, ये आर्टिकल्स लाइक टी, इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स जैसे है टी, पोट्स घड़ा जिसे कहते हैं, कप्स, टिम्बर बॉक्सेस, ट्राइज, मिरर, फ्रेम्स, दीज आइटम्स, ये जो आइटम्स हैं जैसे टी है, पोर्ट्स है, कप्स है, टिम्बलर्स है, बॉक्सेस है, ट्रॉयज है, मिरर है, फॉर्म फ्रेम्स है, ये आर्टिकल्स की जो फॉर्म्स हैं ये कहाँ होते हैं, दीज आइटम्स ऑफ डेकोरेटेड आर चीफ आर्टिकल्स ऑफ प्रोडक्शन बाई दिस इंडस्ट्री, ये डेकोरेशन के लिए होती है, ये इस इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन क्या है आर्टिकल्स हैं। दिस वर्क रिक्वायर स्किल, इसके ऊपर काम किया जाता है हुनर का, एनक्राफ्ट का, किशितकारी का, हैं? इंग्रेविंग्स इज ए स्पेशलिटी ऑफ कश्मीरी इंग्रेवर्स, मोर ओवर कश्मीरी जो रस्म रवाज है, कश्मीरी जो कल्चर है उसकी इस पर किशितकारी की जाती है। मोर ओवर कठुआ डिस्ट्रिक्ट जम्मू रीजन इज द फेमस ऑफ, इसके अंदर कहां पर है, एक है कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और दूसरा जो है जम्मू रीजन में है, और बसोली स्पेशली फॉर बसोली, हाँ तो ये जम्मू है, जम्मू कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जम्मू में सिकल क्राफ्ट या मोर ओवर द कठुआ डिस्ट्रिक्ट रीजन टू फेमस फॉर द हैंडीक्राफ्ट स्पेशली द बसोली प्रिंटिंग, ठीक है ना, जलीकॉ प्रिंटिंग्स एंड फुलकारी वर्क, इसके ऊपर फुलकारी वर्क जो किया जाता है,
लद्दाख रीजन इज आल्सो फेमस फॉर द क्ली मॉडलिंग एंड द टेंका पेंटिंग। तो इसके अलावा लद्दाख में भी जो है क्ली मॉडल और टेंका पेंटिंग जो है ये उस पर की जाती है और दीज आर द फेमस ओवरऑल। लद्दाख हो, कश्मीर हो या जम्मू हो, लेकिन है यही रियासत जम्मू कश्मीर जो अब यूटी बन चुकी है, इसके अंदर ये इंडस्ट्री जो है ये फेमस है और ये इंडस्ट्री की वजह से यहाँ का जो माशियत है वो अप होती है और लोगों का जो ज़्यादातर रोज़गार है, कारोबार है, वो उसके साथ है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री, कांगरी मेकिंग, पेपर माशी, पश्मीना शाल और सिल्वर वेयर्स के बारे में आपने कुछ जानकारी हासिल की है। तो उसके अलावा जो नेक्स्ट इसके जो और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सिलिक इंडस्ट्री जैसी है, फॉरेस्ट बेसिक इंडस्ट्री है, एग्रो बेसिक इंडस्ट्रीज है, इसके बारे में हम अगला टॉपिक लेंगे। तो मैनल्स बेसिक इंडस्ट्री जो है, अच्छा टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, दीज आर फाइव मोर इंडस्ट्रीज कश्मीर के अंदर है, इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, क्लास लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो घर में रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब पढ़ते रहिएगा। बाकी वस्सलाम, खुदा हाफिज़।